सावित्री कहिए महाराज जी। कुदरत के नियम के अनुसार जी सप्तवाणी की आयु पूरी हो गई है। हाँ जी। और इसके शरीर में इसके प्राण नहीं रहे हैं जी, जी। इसको ले जा अपने साथ और इसका क्रियाकर्म कर। महाराज जी। जी कहिए। आप मेरे पति के प्राण नहीं ले जा सकते। नहीं सावित्री, विधि के विधान अनुसार इसकी आयु पूरी हो चुकी है, ये प्राण तो लेना नहीं पड़ेंगे। अगर जीवन व्यापन करने के लिए तुझे और कोई साधन या कोई और आशीर्वाद या कोई सहारा चाहिए तो उसको ले ले। महाराज मैं इनके बिना नहीं रह सकती, क्योंकि हमारी शादी को अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और आप कह रहे हो कि इसे ले जाओ और क्रियाकर्म कर दो। नहीं सावित्री, विधि के अनुसार मरना जीना सब कुछ प्रकृति के अधीन है। तू अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ भी मांग ले, लेकिन इसके प्राण नहीं मिलेंगे। तो महाराज मुझे तीन वचन दे दीजिए। जा दे दे तीनों वचन। सोच लो। सोच लो। सोच लिया। ठीक है तो तीन वचन दिए महाराज जी। एक दो तीन। ठीक है, मेरी बात सुन। हाँ ससुर की रजधानी तू फेर के न पा।
मांगे जा रही है मैं बारी बारी से और ईमानदारी से तेरे को दिए जा रहा हूँ, लेकिन सत्यवान का आसरा छोड़ दे और मेरी बात सुन ले। प्रकाश दे दिया है और यहाँ तक तेरे को जीवन यापन करने के लिए एक जीने का सहारा चक्रवर्ती लाल भी दे दिया है। अब तो मेरे पीछे छोड़। ho
वरता नार की क्यों धर्म रूप मंडी लई बिना पति संतान कैसे जान तने रंडी लई बिना पति संतान कैसे जान तने रंडी लई। नहीं सावित्री ऐसा नहीं हो सकता, तेने अपनी धीर बुद्धि से मेरी बुद्धि का हरण कर लिया है। सावित्री इस भूमंडल और आकाश और युग युग में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कि तने अपनी चतुर बुद्धि से ये कर दिखलाया। सावित्री अपने सच्चे धर्म के बल पर जो तने कर दिखलाया है इससे मैं हार चुका हूँ और मैं तुझे वरदान देता हूँ कि हर युग युग में जब तक सूरज चांद रहेंगे तेरी गाथा गाई जाएगी और तू सत्यवान को प्राणों के साथ ले जा और इसके साथ धन और मान सम्मान का मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। जैसे लाल तेरे